नमस्कार दोस्तों, टीम इंडिया ने आज माउंट मांगनुई में दूसरा वनडे जीतकर इतिहास रच दिया है। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से मात देकर 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की बढ़त बना ली है और इस सीरीज को भी जीत लिया है। इसके पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने आई न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर की संघर्षमयी 93 रनों की पारी की बदौलत भारत के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा गया। भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर जबरदस्त खेल दिखाते हुए न्यूजीलैंड की टीम को पूरे 50 ओवर्स भी नहीं खेलने दिए। 49 ओवर्स में ही 243 रन बनाकर आउट हो गई कीवी टीम। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को शिखर धवन के रूप में पहला झटका लगा। उन्होंने टीम को जरूर तेज शुरुआत दिलाई लेकिन खुद अपना विकेट बचाने में नाकामयाब रहे। 27 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 28 रन बनाने के बाद ट्रेंट बोल्ट ने उनका शिकार किया। फिर बल्लेबाजी करने आए कप्तान विराट कोहली, जिनके साथ मिलकर उप कप्तान रोहित शर्मा ने न सिर्फ टीम को संभाला बल्कि दूसरे विकेट के लिए दोनों के बीच 113 रनों की साझेदारी भी हुई। इस दौर में दोनों ने अपने अपने अर्धशतक भी पूरे किए। रोहित ने जहां 63 गेंदों में 39वीं वनडे 50 जमाई तो विराट ने अपना 49वां अर्धशतक बनाने के लिए 59 गेंद लिए। आउट होने से पहले रोहित शर्मा ने 77 गेंदों में 62 रनों की पारी खेली। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वे मिचेल सैंटनर की गेंद पर स्टंप आउट हुए। 2 ओवर बाद विराट कोहली भी आउट हो गए। उन्होंने ट्रेंट बोल्ट की एक लेंथ बॉल को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश में कोहली का जबरदस्त कैच निकोलस ने पकड़ा। कप्तान कोहली ने 74 गेंदों में 60 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 4 चौके और एक छक्का भी निकला। इसके बाद दिनेश कार्तिक और अम्बती रायडू ने पारी को संभाला। दोनों ने शानदार पारी खेलकर भारतीय टीम को जिता दिया। दिनेश कार्तिक 38 रन और अम्बाती रायडू 40 रन बनाकर नाबाद रहे। दोस्तों, भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और क्रिकेट जगत की हर ताजा खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए क्रिक 7 यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।